लांजी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारंजा में आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर सबसे पहले छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों का सम्मान किया, वही बच्चों के द्वारा शिक्षकों की आदर्शवादिता पर अपने विचार रखे गए। बच्चों ने कहा कि शिक्षक के बिना वे किसी भी तरह की तरक्की नहीं कर सकते हैं। उनकी बदौलत ही आज हर कोई पढ़ लिख कर कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य नौकरियों में जाकर देश की सेवा कर रहे हैं। वही गुरुजनों के द्वारा भी छात्रों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सफल विद्यार्थी बनने के लिए अग्रिम बधाई दी गई। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य श्री मछिरके से बीजीटी न्यूज संवाददाता लोकेश फुंडे ने चर्चा की। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में छात्र संगठन के पदाधिकारीगण और समस्त छात्रों की ओर से शिक्षक दिवस का कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इसमें हमने सेवानिवृत्त शिक्षक श्रीमान एल आर नंदनवार जी, श्री के एल बनोटे जी एवं श्री के एड़े जी को बुलाकर संस्था की ओर से सम्मानित किए हैं और समस्त छात्र छात्राओं द्वारा समस्त स्टाफ का सम्मान किया है। कार्यक्रम व्यवस्थित सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है। बालाघाट वाराणसी मार्ग पर डोंगरिया के पास 5 सितंबर की शाम 4:30 बजे करीब एक यात्री बस में अचानक आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही हादसे के बाद बस ड्राइवर ने सावधानी पूर्वक बस को सड़क किनारे खड़ा कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलवाया, जिसके बाद यात्रियों ने बिना देर किए ही बस से दूरी बना ली और डर के मारे दूर जाकर खड़े हो गए। हालांकि इस घटना से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी यात्री घटना के बाद बाहर निकल गए थे।